सुल्तान ने कमर कस ली है चीनी बॉक्स ऑफिस पर दांव लगाने के लिए। आपका स्वागत करते हैं बॉलीग्राड के गलियारे में। सलमान खान इन दिनों अपनी फिल्म भारत के कारण चर्चा में। चर्चा उनके रोल से अधिक प्रियंका चोपड़ा को छोड़कर जाने की है, क्योंकि वो अब इंटरनेशनल खिलाड़ी जो बन गई है। वैसे सलमान भी दुनिया भर में कम फेमस नहीं है और एक बार वो फिर चाइना जा रहे हैं। जी हाँ, सलमान खान की फिल्म सुल्तान अब चीन में रिलीज होगी। ये फिल्म 31 अगस्त से चीन के सिनेमाघरों में दिखाई जाएगी। चीन में सुल्तान को 11,000 स्क्रीन में रिलीज किया जाएगा और प्रतिदिन करीब 40,000 शोज होंगे। इससे पहले सलमान खान की बजरंगी भाईजान वहां रिलीज हुई थी। अली अब्बास जफर के निर्देशन में बनी इस फिल्म में सलमान देसी से विदेशी रेसलिंग के खिलाड़ी बने हैं, जो एक बार तो हौसला पस्त हो जाता है और लेकिन उसकी पत्नी उसे मोटिवेट करती है। फिल्म में अनुष्का शर्मा ने सलमान खान की पत्नी का रोल निभाया था। यशराज फिल्म्स की सुल्तान 6 जुलाई 2016 को रिलीज हुई थी। ये सुल्तान अली खान नाम के हरियाणा के एक पहलवान की कहानी थी। फिल्म में अनुष्का शर्मा ने अरफा हुसैन का रोल अदा किया था, जो खुद एक स्टेट लेवल रेसलर थी। फिल्म में रणदीप हुड्डा, अमित शाह ने भी काम किया था। भारत में 36,54,00,000 रुपए से ओपनिंग देने वाली इस फिल्म ने 300,45,00,000 रुपए का लाइफ टाइम कलेक्शन किया था। इससे पहले सलमान खान की बजरंगी भाईजान ने चीन के बॉक्स ऑफिस पर दस्तक दी थी। फिल्म 2 मार्च को चीन में 1700 स्क्रीन पर रिलीज हुई और $2.8 मिलियन यानी कि लगभग 18 करोड़ रुपए की ओपनिंग ली थी। फिल्म ने 5 हफ्ते बाद 300 करोड़ रुपए का आंकड़ा भी पार कर लिया था। आज के लिए बस इतना ही। आप हमें कमेंट करके बताइए कि हमारे सुल्तान चीन में अपना झंडा कितने करोड़ों का गाड़ेंगे।